हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैगनेट ब्रेन माइ पोपली एस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास इलेवंथ का ऑनटिप सब्जेक्ट का सेवेंथ चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्स मोबिलाइजेशन और जो टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे वो रहेगा कैपिटलाइजेशन इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था लास्ट लास्ट के चैप्टर्स ना बहुत इंटरेस्टिंग है लास्ट लास्ट के टॉपिक्स बहुत बढ़िया हैं तो ये तो स्किप करना ही नहीं है बट इससे पहले इस चैप्टर में बहुत सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं वो भी सब देख लेनी है जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का भी एज वेल एज़ प्रीवियस वीडियो का भी तो वो फटाफट देखो और उसके बाद इस वीडियो पे आओ एंड देन हम शुरू करते हैं इसे ओके सो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन में एक सेंटेंस बोल रहे हैं दे आर से कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कॉरपोरेशन कंप्राइजेस द ऑनरशिप कैपिटल एंड द बोरोड कैपिटल लाइक इन आर प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने पढ़ा था ऑनरशिप कैपिटल और बोरोड कैपिटल के बारे में ऑनर्स फंड बोरोड फंड क्या होते हैं ऑनर्स फंड fund वो फंड्स होते हैं जो कि ऐसे इंसानों द्वारा लाए जाते हैं जो वापस एक्सपेक्ट नहीं करते उन फंड्स को लेकिन वो कंपनी की ऑनरशिप जरूर अपने हाथ में ले लेते हैं लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर से मैं किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करूंगी तो आई वोट आस्क फॉर मनी अगेन लाइक मेरे को मेरे पैसे वापस करो मैं क्या बोलूँगी मुझे ऑनरशिप दो अगर मैंने पाँच तुम्हारी इक्विटी में वो किया है इन्वेस्ट uh, किया है तो मुझे पाँच की ऑनरशिप चाहिए इस कंपनी में डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए मेरे हाथ में राइट सो ऑनर्स फंड वो फंड्स होते हैं जिसके थ्रू आपको तो फंड्स मिल जाते हैं कंपनी को तो फंड्स मिल जाते हैं लेकिन कंपनी को सामने वाले इंसान को ऑनरशिप देनी पड़ती है बदले में लेकिन वहीं पे बोरोड फंड्स काइंड ऑफ आपका उधारी वाला पैसा होता है जहां पे आप दूसरे इंसान से उधारी पे पैसा लेते हैं और आप एक फिक्सड ऑब्लिगेशन उसको पे कर रहे होते हैं जैसे डिबेंचर्स की बात करें तो आपने डिबेंचर्स दिए मतलब आपने डिबेंचर्स इशू किए आप कंपनी थे आपने सामने वाले ने वो खरीद लिए अब उसने डिबेंचर्स खरीद लिए लेकिन साथ में आपको ये डिबेंचर्स के पैसे तो वापस करने ही है बिंग द कंपनी और साथ में आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा तो यहाँ पे बहुत सारी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन आ जाती हैं ये उधारी वाला पैसा होता है इससे आप ऑनरशिप नहीं देते सामने वाले इंसान को लेकिन वो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा जरूर दे देते हैं ठीक है तो ऑनरशिप फंड में सामने वाले इंसान को क्या फायदा होता है कि उसके पास ऑनरशिप आ जाती है बॉर फंड में सामने वाले इंसान को ये फायदा हो जाता है कि उसके हाथ में इंटरेस्ट नाम एक एक्स्ट्रा टूल आ जाता है जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा अर्न कर पाता है सो कैपिटलाइजेशन कंपनी का कंप्राइज करता है ऑनरशिप कैपिटल और बॉर्ड कैपिटल से एज रिप्रेजेंटेड बाय लॉन्ग टर्म इन

कि कैपिटलाइजेशन लॉन्ग टर्म फंड्स को मिलके बनती है जिसमें हम बेसिकली शेयर होल्डर्स एज वेल एज क्रेडिटर्स दोनों से जो पैसा लेते हैं वो आ जाता है इंक्लूड शेयर्स डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन्स फ्री रिजर्व्स। इसमें शेयर्स भी आ जाते हैं मतलब ऑनर्स फंड आ जाते हैं डिबेंचर्स मतलब बॉर फंड आ जाते हैं लोन्स आ जाते हैं मतलब बॉड फंड आ जाते हैं एंड फ्री रिजर्व मतलब अपने पुराने पड़े हुए सेविंग्स वो भी ऑनर्स फंड में ही काइंड ऑफ कंसिडर कर ली जाती हैं कैपिटलाइजेशन द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड इन अ डिफरेंट सिचुएशन बाय द एंटरप्राइज कैपिटलाइजेशन डिटर्मिन करता है कि कितना ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फंड्स एक कंपनी में एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रिक्वायर्ड होगा इससे क्या होता है कि ना ही आपकी शॉर्टेज होती है फंड्स की और ना ही आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े होते हैं एक्सेस में फंड्स पड़े होते हैं सो कैपिटलाइजेशन ये इंश्योर करता है कि मुझे एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ कितना पैसा चाहिए सो so दैट कम भी ना पड़े और ज्यादा भी ना हो ठीक है बींग ओवर कैपिटलाइज और अंडर कैपिटलाइज इन दोनों सिचुएशन को क्या बोलते हैं ओवर कैपिटलाइज या फिर अंडर कैपिटलाइज लाइक अगर मेरे पास शॉर्टेज है फंड ऑन द अदर साइड मेरे पास एक्सेस फंड है तो शॉर्टेज फंड में ये कहलाया जाएगा अंडर कैपिटलाइज और ये कहलाया जाएगा ओवर कैपिटलाइज और ये कहलाया जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन क्या समझे हम ये समझे कैपिटलाइजेशन से हम ये डिटरमिन कर पाते हैं कि कैसे हमें इतना अरेंज करना है कि ना हमारे पास फंड्स कम हो ना हमारे पास फंड्स ज्यादा हो तो फंड्स कम होते हैं उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं अंडर कैपिटलाइज और अगर फंड ज्यादा होते हैं तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं ओवर कैपिटलाइज और ये जो मिडिल वाली सिचुएशन होती है है जो ऑप्टिमम ऑप्टिमम लेवल होती इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन और इज नथिंग जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स और बोरोड फंड्स और वो भी लॉन्ग टर्म वाले ऑब्वियसली ये दोनों लॉन्ग टर्म वाले नहीं होते ऑब्वियसली बट या यहाँ पे हम ऑब्वियसली लेंगे ठीक है देन दे से समय पर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मतलब यह बुरी सिचुएशन है आपका काम रुक जाएगा और जरूरत के समय पर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे है वो पैसे शायद कहीं और होते तो कुछ और कर रहे होते आपको और पैसा बना के दे रहे होते लेकिन अभी आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं किस कुछ कोई मतलब कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा का तो ऐसे सिनारी में ये भी आपके लिए एक आइडियल सिचुएशन नहीं है कुछ लोगों को लगता है कि फ़ंड्स ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं पड़ने चाहिए मतलब आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स खाली पड़े हों बिना किसी इस्तेमाल के वो सिचुएशन ठीक है लेकिन कम नहीं पड़ने चाहिए ज़रूरत के समय पे फंड्स बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है लेकिन ये गलत सोच है आपके पास हमेशा ऑप्टिमम लेवल वाले फ़ंड पड़े होने चाहिए एक्सेस वाले फंड हमेशा ऐसी जगह लगा के रखो जहाँ से वो प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो रहा हो उनका जहाँ से वो कुछ प्रोडक्टिविटी गेन कर पा रहे हो अगर वो ऐसे ही पड़े रहेंगे तुम्हारे लॉकर में तो वो दो से चार चार से छः नहीं होने वाले वहीं तो मुझे कहीं इन्वेस्ट कर दो माइड भी वो दो से दस हो जाए यू नेवर नो राइट So it says, so if the capital employed by an enterprise is earning in accordance with the prevailing uh, rate of return on its outstanding securities by other similar companies in the same industry, its capitalization will be considered as proper and appropriate. अगर कैपिटल एम्प्लॉयड जो है एंटरप्राइज द्वारा अगर वो अच्छे से अर्न कर पा रही है रेट ऑफ रिटर्न उसका सही जनरेट हो पा रहा है दैट सारियो और दूसरी इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में दैट सिनारियो मतलब आपका कैपिटलाइजेशन क्या है प्रॉपर है अप्रोप्रिएट है अब कैपिटलाइजेशन में ही एक और टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर ये क्या बोलता है ये समवर्ड हमने पढ़ा हुआ है कहाँ पे ट्वेल्थ क्लास के बिजनेस स्टडीज में बट आपने तो वो पढ़ा नहीं होगा अभी क्योंकि आप तो इलेवंथ में तो इसलिए मैं इसको आपको स्क्रैच से ही समझा देती हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप अपने कैपिटल को टोटल जो आपका कैपिटल होता है उसमें क्या कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहे हैं कहने का मतलब ये है कि आप उसमें एक्विटी और बोरोड फंड्स इनका क्या कॉम्बिनेशन डेट बोल सकते हैं इसको बोरोड की जगह आई जस्ट राइट डेट इक्विटी और डेट का क्या कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि आप अपने पूरे कैपिटल में इक्विटी और डेट का क्या कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं लाइक like आपके यहाँ पे 50 50 वाला सिनेरियो है कि 50% इक्विटी है और 50% हमारा डेट है या फिर आप 60 40 वाला रेशियो अपना रहे हैं फोर्टी डेट है सिक्सटी है या फिर इसमें वाइस कर रहे हैं कि फोर्टी हमारा इक्विटी है डेट है, है या फिर थर्टी सेवेंटी वाला तो एग्जैक्टली exactly क्या कॉम्बिनेशन यू आर फॉलोइंग क्या मिक्सचर क्या डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंबाइन करके तुम अपना कैपिटल पूरा तैयार कर रहे हो वो तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाया जाता है ठीक है और ये ना एक कंपनी के लिए बहुत क्रूशल डिसीजन होता है कि मुझे मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा बनाना है क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगा के तुम देखो इक्विटी का तुम्हें सीन पता है डेट का तुम्हें सीन पता है डेट के साथ आती है तुम्हारे एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मानते हो डेट के साथ तुम्हारी आती है एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन जो की होती है इंटरेस्ट के नाम की डेट hmm? पे तुम्हें सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है एट टाइम्स कोलेचुरल जो रखवाते हो तुम इक्विटी इक्विटी में वहीं पे तुम्हें ऑनरशिप देनी पड़ती है तुम अगर ज्यादा इक्विटी बांट दोगे तो मतलब तुम्हें ऑनरशिप बांटनी पड़ेगी तुमने ज्यादा एक्विटी बांट दी तो मतलब तुम्हें ऑनरशिप देनी पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी अपने डायल्यूट करनी पड़ेगी लोगों के साथ बात वो करना पड़ेगा शेयर करना पड़ेगा तुम्हें तो जमे उनका या नहीं जमे, फिर क्या करोगे? सो so, कहने का मतलब ये है कि एक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन बहुत ही सोच समझ के आपको रखना पड़ता है अगर आपको दूसरे लोगों की इंटरफेरेंस नहीं पसंद है देन इन दैट सिनारियो आपको कम एक्विटी दूसरों को देना चाहिए अगर मान लीजिए आप ऐसे इंसान हैं जैसे खुद का काम किया यह पसंद है आप दूसरों की सुन नहीं सकते आप दूसरों की इंस्ट्रक्शन नहीं मान सकते तो आपको इक्विटी नहीं देना चाहिए क्योंकि इक्विटी के साथ तुम सामने वाले इंसान को ऑनरशिप राइट्स देते हो और ऑनरशिप राइट्स में तुम्हें उसकी सुननी पड़ती है फिर वहीं पे अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे सर पे ऑलरेडी बहुत सारा बर्डन है तुमने दोस्त से लोन लिया था उसको लौटाना है तुम्हारे सर पे सर सौ सरदर्दियाँ है तो ऐसे में तुम अगर डेट की और सरदर्दी बांट बाँट लोगे मतलब अपने सर पे बांध लोगे इंटरेस्ट पेमेंट की एक और बर्डन अपने सर पर बांध लोगे तो यह ऐसे में तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा राइट सो so, कहने का बस इतना सा मतलब है कि डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से फिट करो कि तुम्हारी कंपनी के लिए वो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो अगर तुम्हारी कंपनी के पास ऑलरेडी यू नो फिक्स बर्डन बहुत सारी हैं तो डेट कम रखो अगर तुम्हारी कंपनी ऑनरशिप देना पसंद नहीं करती है डाइल्यूट कर करना पसंद नहीं करते है, तो ऑनरशिप कम रखो ठीक है मतलब इक्विटी कम रखो सो इट द मेकअप ऑफ अ फर्म्स कैपिटलाइजेशन इज कैपिटल स्ट्रक्चर एक फर्म का जो कैपिटलाइजेशन का मेकअप होता है मतलब कैसे वो कैपिटलाइजेशन होती है उसकी क्योंकि कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी राइट लॉन्ग टर्म लोन्स लॉन्ग टर्म जो वो होते हैं तुम्हारे फंड्स उसका कॉम्बिनेशन तुम्हारा कैपिटलाइजेशन कहलाया जाता है तो कैपिटलाइजेशन किस तरह से बनेगा वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल वेदर इट्स ऑन और बोरोड कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली कॉम्पोजिशन होता है मिक्सचर होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉन्ग टर्म कैपिटल का चाहे वो ऑन हो या फिर बोरोड हो इट इंक्लूड ऑल द लॉन्ग टर्म फंड कंसिस्टिंग ऑफ शेयर कैपिटल डिबेंचर्स बॉन्ड्स लोन्स एंड रिज़र्व इसमें सारे तरह के लॉन्ग टर्म फंड आ जाते हैं जैसे कि शेयर कैपिटल डिबेंचर्स बॉन्स लोन्स रिजर्व द पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग दैट इज डिसाइडिंग अबाउट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज टू बी शूड फॉर रेजिंग द नेसेसरी फंड वॉट कैपिटल स्ट्रक्चर डिटर्म आपका फाइनेंसिंग का पैटर्न क्या है कहाँ से कितनी सिक्योरिटीज़ इशू करनी है कहाँ से कितना पैसा रेस करना है वो सारा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिटर्मिन करता है मतलब उसी पे डिपेंडेंट होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर पैटर्न में ये बोलते हैं इन केस ऑफ अ न्यू कंपनी द कैपिटल स्ट्रक्चर मे बी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पैटर्नस अगर आपने एक नई नई कंपनी खोली है तो ऐसे सिनारियों में आपका कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी पैटर्न में हो सकता है जैसे कि सिर्फ इक्विटी से मिल बनाओ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर से मिलकर बनाओ प्रेफर इक्विटी और इक्विटी और डिबेंचर से मिलकर बनाओ इक्विटी प्रेफरेंस एंड से मिलकर बनाओ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने नई नई कंपनी खोली है ठीक है नई नई कंपनी में चाहो तो आप पूरा का पूरा नहीं यहां नहीं समझाती यहां पे बताती हूँ आपको चाहो तो आप पूरा का पूरा इक्विटी रख लो ठीक है नो डेट फंड्स चाहो तो आप एक्विटी प्लस प्रेफरेंस ये रख लो कॉम्बिनेशन चाहो तो आप एक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर्स ऐसा कुछ रख लो या आप चाहो तो फोर्थ क्या था एक्विटी एंड डिबेंचर्स सिर्फ एक्विटी एंड डिबेंचर्स रख लो बिना प्रेफरेंस है इसके तो नई कंपनी तो पूरा हंड्रेड परसेंट इक्विटी भी रख सकती है इक्विटी और प्रेफरेंस का कॉम्बिनेशन भी रख सकती है इक्विटी प्रेफरेंस और डिबेंचर्स का कॉम्बिनेशन भी रख सकती है और इक्विटी और डिबेंचर्स का कॉम्बिनेशन भी रख सकती है जो उसको ठीक लगे जो उसको लगे कि हाँ नई कंपनी के अकॉर्डिंग सही रहेगा उसके अकॉर्डिंग दे कैन चूज अ प्रॉपर प्रपोर्शन बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल यील्ड बेरिंग सिक्योरिटीज इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द लिक्विडिटी एंड सोलवेंसी ऑफ द कंपनी अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर पे ना आपकी सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी दोनों डिपेंडेंट होती है अब सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी का मतलब समझते हैं ना लिक्विडिटी का मतलब होता है बेसिकली आपके पास कैश कितना रहेगा क्या मतलब आपके यहाँ पे कैश की मूवमेंट होती रहेगी कि नहीं होएगी सॉल्वेंसी मतलब आपकी कंपनी चलेगी सॉल्वेंट रहेगी यूँ तो नहीं होगा कि आपके पास फंड्स खत्म हो गए एंड देन यू आर ऑन द वर्ज ऑफ फाइंडिंग अप ऐसा तो नहीं होगा वो दोनों चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पर अगेन रीजन आपको पता है क्योंकि एक फिक्स ऑब्लिगेशन के साथ आती है एक यू नो ऑनरशिप राइट्स के साथ आती है डायल्यूशन हो सकता है उसमें तो दोनों ही सिनेरियो में आपको ये दोनों चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी ये बोलते हैं टू फाइंड आउट एन आइडियल डेट इक्विटी मिक्स इज अ डिफिकल्ट टास्क ये फाइंड करना कि डेट इक्विटी का क्या मिक्स बढ़िया रहेगा आइडियल रहेगा बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है एवरी ऑन्टरप्रनोर शुड ट्राई डेवलपिंग दैट रिलेशनशिप ऑफ डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज विच मैक्मम द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर इन द मार्केट हर एक ऑन्टरप्रनोर को ये ट्राई करना चाहिए कि वो बेस्ट कॉम्बिनेशन पिक करे जिसकी वजह से वो मैक्सिम वैल्यू डिराइव कर सके कंपनी के उससे

ये बोल रहे हैं ये जो यू नो कॉम्बिनेशन है ये कंपनी टू कंपनी अलग अलग रहेगा अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो डेट इक्विटी का रेशो अलग लेगी ट्रेडिंग है वो अलग लेगी छोटी कंपनी अलग लेगी बड़ी कंपनी अलग लेगी एक कंपनी जो आईटी फील्ड में वो अलग लेगी एक कंपनी जो यू you नो know, कुछ और रैंडम काम करी है वो अलग लेगी तो हर कंपनी में ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा तो कोई सेट रूल नहीं है कि हाँ तुम्हारी ये कंपनी है तुम इतना वो ले लो इक्विटी ले लो इतना डेट ले लो नहीं कौन कौन से फीचर्स पे डिपेंडेंट होते क्या है जनरल इकोनॉमिक कंडीशन क्या प्रिवेल हो रही हैं आजकल सर्कमस्टांसिस अंडर विच द ऑपरेटिंग और कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसिस है जिसमें कंपनी ऑपरेट करे मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिनारी में आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन चाहिए होगा फर से अभी मुझे लगता है इस मंथ मेरे सर पर बहुत ज़्यादा बर्डन है ठीक है और ये बर्डन कंटिन्यूड रहेगा अगले एक साल तक तो ऐसे में मैं डेट इशू करने के बारे में नहीं सोच सकती फिर तो मेरे को इक्विटी के लिए जाना पड़ेगा बट मुझे अब पता है कि अब मेरी कंपनी में बहुत क्रूशल डिसीजंस ले जाने वाले हैं तो ऐसे में मैं ऑनरशिप में किसी और का यू you नो know, मतलब इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूंगी तो ऐसे में मैं इक्विटी इशू नहीं करूंगी तो प्रिवेलिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं हम डिसाइड करते हैं कि हमें डेट चाहिए इक्विटी चाहिए क्या कॉम्बिनेशन हमें सेट करना है ओके देन लास्ट में ये कंक्लूजन में बोलते हैं मैनी कंपनीज़ हैव क्रम्बल डाउन फॉर वॉन्ट ऑफ अ साउंड फाइनेंशियल प्लान बहुत सारी कंपनीज ने एक साउंड फाइनेंशियल प्लान के चक्कर में अपने आप को यू नो बिखार दिया मतलब तो वो क्रम्बल्ड हो गए मुड़बुड़ गए ढेर uh, हो गए बहुत द सिचुएशन ऑफ सरप्लस एंड शॉर्टेज ऑफ फंड्स आर टू द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी कंपनी के लिए ऐसी जहां उसके पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हुए हैं वो भी खतरनाक है और ऐसी सिचुएशन जहां उसके पास फंड्स की शॉर्टेज है वो भी खतरनाक है दस इट इज़ थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग दैट एन एंटरप्राइज कैन इंश्योर सोलवेंसी एंड लिक्विडिटी इसलिए अगर आप ढंग का फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं जिसमें आप कैपिटल स्ट्रक्चर का बहुत ही अच्छा एक मिक्सचर डिसाइड कर लेते हैं तो इससे आपकी कंपनी की लिक्विडिटी और सोलवेंसी इंश्योर रहेगी क्योंकि ये डिपेंडेंट होती है मैंने अभी आपको बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर पर इंश्योर सफिशेंट फंडस अवेलेबिलिटी मतलब कभी भी आपके पास फंड्स की ना शॉर्टेज होगी ना ही एक्स्ट्रा फंडस होंगे Ensure ऑप्टिमम यूज़ ऑफ वेरियस sources ऑफ फाइनेंस जब आपको पता है मेरे पास इतने ही फंड हैं इसी में मुझे बेर करना है मतलब गुजारा करना है अपना पूरा इन दैट सिनारी आप उसे ऑप्टिमली इस्तेमाल करेंगे विदाउट वेस्टिंग इवन अ पेनी प्रिपेयर फॉर फ्यूचर चैलेंजेस एंड ग्रोथ ये आपको फ्यूचर चैलेंजेस और ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर देती है कंट्रोल एंड मैनेज फाइनेंशियल uncertainties and eliminate वेस्टफुल एफर्ट्स ये कंट्रोल और मैनेज करती है फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज को मतलब कुछ भी हो सकता है ना कल फाइनेंस में यू नेवर नो कल फाइनेंस में आपको कैसी चीज़ें देखने को मिल जाए क्या हो जाए आपके साथ और जितने भी वेस्टफुल एफर्ट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करने का भी काम करती है सो इन शॉर्ट हमने इसमें क्या पढ़ा पूरी वीडियो में हमने पढ़ा ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं थी छोटी सी थी कैपिटलाइजेशन क्या होता है कॉम्बिनेशन किसका मतलब लॉन्ग टर्म जितने भी हमारे फंड्स होते हैं उसका उसमें डेट भी आ जाता है इक्विटी भी आ जाता है और कैपिटलाइजेशन में हम किसका प्रोपोर्शन कितना रखेंगे कैसा रखेंगे वो हम डिसाइड करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू और कैपिटलाइजेशन में हम एक और चीज़ इंश्योर करते हैं कि कभी भी हमारा ओवर कैपिटलाइज या अंडर कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए मतलब कभी भी हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए एंड एट द सेम टाइम फंड्स एक्सेस में नहीं होने चाहिए ओवर एंड अंडर कैपिटलाइज दोनों सिचुएशन ही बुरी होती हैं किसी भी कंपनी के लिए तो दोनों ही नहीं होनी चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ लिया कि ये इक्विटी और डेट से मिलकर बनता है इसका सही प्रोपोर्शन हमें डिसाइड करना पड़ता है सही मिक्स हमें चाहिए चाहिए रहता है इसका कि हम उसके बेसिस पे क्या कर सके आगे की चीज़ें बढ़ा सके नई कंपनीज टोटली इक्विटी के लिए भी जा सकती हैं इक्विटी और प्रेफरेंस के कॉम्बिनेशन के लिए भी जा सकती हैं इक्विटी और डिबेंचर्स के कॉम्बिनेशन के लिए भी जा सकते हैं इक्विटी प्रेफरेंस और डिबेंचर्स इन तीनों के कॉम्बिनेशन के लिए भी जा सकती हैं डिपेंड करेगा उन पर कि उन्हें चाहिए क्या एंड एट द सेम टाइम बोलते हैं कि आइडियल यू नो डेट इक्विटी का मिक्सचर डिसाइड करना इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क बट हर कंपनी को अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ता है और थोड़ा कैलकुलेशन ये आपको करना सिखाएंगे लेकिन हायर क्लासेस में तीन फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप बेसिकली डिसाइड करते हो एंड देन इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी यू नो लाइक इफेक्ट होती हैं सो so, हमें बहुत ही ढंग से इसे करना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर को तय एंड दैट्स इट ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है छोटू सा वीडियो था प्रेसाइज सा वीडियो था आई होप आपको मज़ा आया होगा सब कुछ समझ में आया होगा कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हम अगर मान लीजिए आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा या नेक्स्ट वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के ही लिंक लिखे हुए हैं प्लेलिस्ट का लिंक भी लिखा हुआ है वो देख सकते हो अच्छा अगर तुम लोगों को नोट्स चाहिए ना तो नोट्स क्या एक प्रॉपर हमने बुक बनाई है आप लोगों के लिए वो ई बुक के फॉर्मेट में भी है बुक के फिजिकल बुक के फॉर्मेट में भी है जैसे आपको चाहिए हो बस क्या करना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है एक लिंक लिखा होगा उस पर क्लिक करना है वो एक फॉर्म का लिंक है वो फॉर्म आपको फिल करना है इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी मैग्नेट ब्रिंस के पास मैग्नेट ब्रेंस आपको यहाँ से कॉल करेगा बता देगा आगे क्या कैसे करना है और उसके थ्रू आप अपनी बुक्स और ई बुक्स ले सकते हैं ठीक है इसके साथ आपको पता ही है हम लोग आपको हंड्रेड परसेंट फ्री एजुकेशन देते हैं विदाउट चार्जिंग यू एनी थिंग और हम यू नो लाइक वी ट्राई टू डू मतलब ट्राई टू बेसिकली ब्रिंग ऐसी वीडियोज़ जो कि क्वालिटी वाली होती हैं सो so, अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखनी है तो आप यूट्यूब के थ्रू देख सकते हो ठीक है आप वेबसाइट के थ्रू देख सकते हो वेबसाइट पे बस आपको ये करना है कि गूगल पे जाना है मैगनेट्रेंस डॉट कॉम टाइप करना है एंड देन यू विल फाइंड दिस वेबसाइट और वेबसाइट पे आप एक्सप्लोर करके बढ़िया तरीके से देख लीजिए या फिर आप क्या कर सकते हो ऐप के थ्रू कर सकते हो ये काम ऐप आप में आपको क्या करना होगा गूगल पे सॉरी प्ले स्टोर पर जाओगे प्ले स्टोर पर मैगनेट रेंस सर्च करना मैगनेट रेंस की तो आप दिख जाएगी डाउनलोड करना और उस पर फिर लॉग इन करके अपना वीडियोज़ देखना शुरू कर देना हम लोग आपको कोर्सेज दे रहे हैं सी बी एस सी एन सी एस सी ओलम्पिया सी ई टी आई आई टी जी नीट यू पी बिहार बोर्ड स्पोकन इंग्लिश बैंक एंड इंश्योरेंस आर आर बी एस एस सी यू बी एस सी जी आपके और जल्दी ही सी एस सी एस बी तो ये सारे कोर्सेज हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं तो इसका भरपूर फायदा उठाइए जो वीडियोज देखनी है वो देखिए एंड जो भी डाउट्स होते हैं आपके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया कीजिए एंड एक रिक्वेस्ट है बस आप लोगों से छोटी सी सबसे एक्चुअली इवन इफ़ यू आर माई रेगुलर स्टूडेंट और नॉट आप किसी और टीचर के स्टूडेंट हैं मतलब मैगनड रेंज पे प्लीज़ डू नॉट बग योर टीचर्स ऑन इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया एप्स मतलब बेसिकली आप लोग भी वहाँ पे फ़न के लिए जाते हैं हम लोग भी वहाँ पर फ़न के लिए जाते हैं और जब वहाँ पर हमारे पास डाउट्स आए होते हैं मतलब डी खोलो अपना और सारे ऐसे डाउट्स भरे होते हैं स्टूडेंट्स के फ़ोटोज़ भेज रहे हैं मैम इसका आंसर बताइए मैम इसका ये वताइए अब ये बताइए वो बताइए काफ़ी इरीटेटिंग हो जाता है हम लोगों के लिए क्योंकि हमने भी वो प्लेटफॉर्म इसलिए ऑन किया था ताकि हम अपने दोस्तों से कॉन्टैक्ट में रह सके हम बच्चों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि यू नो लाइक ऑब्वियसली ठीक है वी आर अ फैमिली नाउ बट देन उसको थोड़ा सा फन वे में ही रहने दीजिए जितने आपके डाउट्स हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पूछिए मैग्नेट ब्रेंस के वीडियोस के नीचे पूछिए इनको मेल करिए और आपको वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा ओके सो डो नॉट बग योर टीचर्स उनको भी उनकी लाइफ इन्जॉय करने दो है ना हम भी इंसान है थोड़े सा एंड दट सेट बढ़िया तरीके से पढ़ो अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ खुद को प्राउड फील कराओ और हम लोगों को भी कराओ थैंक यू सो मच